क्या वाकई हैंडसम बाबू और मुखिया जी के बीच खटपट है? क्या हैंडसम बाबू अपनी लकीर बड़ी करने के लिए बेकरार, या फिर ये सब सियासत का लाई लप्पा है? अंदर की बात तो बाबा महाकाल जाने साहब, लेकिन तस्वीरें घटनाक्रम अक्सर अटकलों में आकर लपक चर्चा में छा जाते हैं। कभी मुखिया जी के सरकारी बंगले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुंह फुलाकर निकलना हो, कभी ताली बजाने पर साथ ही मंत्री को टुनकी मारना, या फिर ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में झांकी जमवाना हो, भैया चर्चा में तो है साहब। मुखिया बाबू सहित पूरी मध्य प्रदेश भाजपा मस्त है। वजह ओबीसी आरक्षण पर बाजी मार लेना। अब भले ही आरक्षण के नाम पर ओबीसी को क्या मिला ये बात दीगर है, लेकिन भैया फिल्म तो खिंचाई गई। मुखिया बाबू महाराजा साहब से लेकर संगठन वाले भैया तक सब एक सुर में आसमान देखकर ओबीसी ओबीसी गाए जा रहे हैं, लेकिन हैंडसम बाबू तनिक अलहदा तान पकड़े हैं, और वो भी विपक्षी के कांधे पर सवार होकर। सुनिए और जरा गुनिए भी। हमारे ब्राह्मण समाज के गृह मंत्री हैं, आदरणीय नरोत्तम दादा को भी प्रणाम करता हूँ। अपने समाज का मंत्रालय कभी बदलने वाला नहीं है, बोलना चाहते हैं। अपने गृह मंत्री भी यही हैं, डीजीपी भी यही हैं और मुख्यमंत्री भी यही हैं। बोले तो ब्राह्मण समाज को साधना या फिर पार्टी के बुलंद मुद्दे के समानांतर एक और मुद्दे को खड़ा कर देना, भैया है तो कुछ। वैसे चर्चा है ओफ, जो अक्सर उथला धरातल पाकर पनपने लगती है, लेकिन खास बात तो यह साहब, अटकलों को ना तो हैंडसम बाबू, ना मुखिया जी और ना ही कभी पार्टी वाले बाबू साहब ने नकारा है। अब सच क्या और झूठ क्या भैया, ये तो आप खुदा ही गुणा भाग लगाओ।